कि DNT न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें। पटना स्टेशन डायरी अपडेट नहीं होने पर गांधी मैदान थानाध्यक्ष रंजीत वत्स को DGP SK सिंघल के निर्देश पर SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो ने किया सस्पेंड। राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना पहुंचे DGP SK सिंघल, ADG लॉ एंड ऑर्डर जोनल IG SSP समेत कई वरीय अधिकारी पहुंचे। रामनवमी, यातायात अतिक्रमण समेत अन्य कई मामले पर चल रही है बैठक। राजधानी पटना में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर DGP SK सिंघल ने करा रुख अख्तियार किया है। राजधानी के थाना का औचक निरीक्षण किया है। औचक निरीक्षण के दौरान गांधी मैदान थाना में घंटों बैठक चला, जिसमें DGP SK सिंघल, ADG लॉ एंड ऑर्डर, जोनल IG, SSP समेत कई वरीय अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। साथ ही गांधी मैदान को ट्रैफिक थाना ने निरीक्षण किया। रामनवमी, यातायात अतिक्रमण समेत कई अन्य मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई कि हम लोग बहुत तरह के निर्देश समय समय पर देते रहते हैं। वो निर्देश किस हद तक जमीन पर उतरे उसको देखना पहला काम। दूसरा काम ये है कि हम ये देखने आए हैं कि थाना में रिसोर्स पोजीशन की अगर कोई कमी है तो उसको हर हालत में पूरा किया जाए। तीसरा हम ये देखने आए हैं कि क्या थाना जो है वह हमारे नागरिकों के अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए वो उसमें है या नहीं। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ ऐसा रिकॉर्ड देखने आए हैं जो रिकॉर्ड जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी अपेक्षाओं को डायरेक्टली उससे जोड़ता है। उन रिकॉर्ड्स की अद्यतन स्थिति हर हालत में रखनी चाहिए और वो अगर कमी रह जाती है तो उससे उसका नेगेटिव जो असर है वो हमारे नागरिकों पे पड़ता है और हमारी पुलिस की छवि पे पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए और इसमें सुधार लाने के लिए और अपने अधीनस्थों से बात करने के लिए, उन्हें कोई दुख तकलीफ है वो सुनने के लिए और किस तरह से चीज़ों को और अच्छा बनाया जाए, इन सब के मद्देनजर मैं यहाँ थाने पर आया हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे वरीय पदाधिकारी वो थानों में ज़रूर जाएंगे, वो लोगों से भी और ज़्यादा मिलेंगे और थानों की फंक्शनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो सुधार जो संभव है वो क्या पाया हूं? मैंने कुछ चीज़ों में कमियां पाई हैं, मैंने उन कमियों को दूर करने के लिए निर्देश भी दिए हैं और एक बड़ी कमी के लिए मैंने एक पदाधिकारी पर बहुत मजबूत कार्रवाई कर दी।